मूवी बहुत अच्छी है, एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी है और देखने लायक मूवी है। एक बार में दो तीन बार देखने लायक मूवी है। माइंड ब्लोइंग, पैसा वसूल। ये पेट्रियोटिज्म अच्छा लगा, हिंदुस्तान है हम, वो थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। फिर से आपको देखना, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, कहीं पे बोरियत फील नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि चला रहे हैं जबरदस्ती से मूवी। फिल्म तो बहुत अच्छी थी भाई, मेरा सारा पैसा वसूल हो गया। दोस्तों, सालों से ईद पे अपने भाईजान सलमान खान धमाका तोहफा देते आ रहे थे अपनी फिल्मों से, कभी 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। ठीक वैसे ही धमाका भाई, वैसी गूंज, वैसी आगाज कर दिया अपने बड़े मियां चटिया ने। 350 करोड़ की बीएमसी अपने भाई 37 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग ले लिया वर्ल्ड वाइड बेस पे। OMG, टोटली गूज बम भाई, क्या ही क्लाइमेक्स था। एक्शन एक्शन वहाँ लेवल का एक्शन, हॉलीवुड भाई क्या इसके आगे, जॉन विक भाई क्या, टॉप गन, सब ने घुटने टेक दिए हैं। अब बात मैं करने वाला हूँ फिल्म की Day 3 की, यानी कि शुक्रवार की 13 अप्रैल की बुकिंग के बारे में एंड कमाई के बारे में। दोस्तों, फिल्म कितने कमा सकती है अपने Day 3 शनिवार पे 13 अप्रैल को, इसके साथ ही आप सबको पता भी लग जाएगा फिल्म की Day 2 की, यानी कि शुक्रवार की 12 तारीख की क्या कमाई रही थी। आइए करते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों, आप सब जानते फिल्म अपने Day 1 के लिए 5 करोड़ की बुकिंग करके Day 1 पे इंडिया नेट कमाई थे 16 करोड़। फिल्म ने Day 1 पे इंडिया ग्रोस कमाए थे 19 करोड़। दोस्तों, फिल्म ने Day 1 पे ओवरसीज मार्केट से कमाए 14 करोड़ दोस्तों, क्योंकि फिल्म का 10 तारीख से ही प्रीमियर एंड पेड प्रीव्यू, ये दोनों चीज़ लगनी स्टार्ट हो गई थी ओनली ओवरसीज में, तो इससे काफ़ी उसको बेनिफिट हुआ है। फिल्म ने Day 1 पे ओवरसीज में कमाई 14 करोड़, यानी कि फिल्म का Day 1 वर्ल्ड वाइड हो जाता है 37 करोड़ ग्रोस। दोस्तों, फिर बात करते हैं फिल्म की Day 2 की कमाई के बारे में। फिल्म ने Day 2 के लिए 2 करोड़ की मात्र बुकिंग करी थी ऑनलाइन बुक माई शो एंड पेटीएम से, ऑफलाइन का इसमें डाटा नहीं है। फिल्म ने अपने Day 2 पे इंडिया नेट कमाए हैं 9 करोड़ दोस्तों, इसके साथ ही फिल्म का Day 2 इंडिया ग्रॉस हो जाता 11 करोड़ के आसपास दोस्तों, और सीसी फिल्म ने कमाई 3 करोड़, यानी कि फिल्म का Day 2 वर्ल्ड वाइड हो जाता है 15 करोड़ के आसपास दोस्तों। फिर बात करते हैं फिल्म की Day 3, यानी कि 13 अप्रैल वीकेंड धमाका, वीकेंड स्पेशल शनिवार का दिन होने वाला, यानी कि छुट्टी का माहौल होगा, पब्लिक टूट के थिएटर पे पड़ने वाली है। एंड जिस तरह से टूटेगी ना, उसका आपको नमूना मिल चुका है, क्योंकि फिल्म ने 3 करोड़ की Day 3 के लिए बुकिंग कर ली है। फिल्म अपने Day 3 पे 10 करोड़ तक कमा सकती है इंडिया नेट, इसके साथ ही फिल्म का इंडिया ग्रॉस हो जाएगा 12 करोड़ दोस्तों। फिल्म ओवरसीज मार्केट से वीकेंड के दिन कमा लेगी 5 करोड़ तक, यानी कि फिल्म का Day 3 वर्ल्ड वाइड हो जाएगा 17 करोड़ के आसपास दोस्तों। तो ये धमाकेदार कमाई करने वाली फिल्म, तो इसके साथ ही फिल्म का टोटल कमाई कितनी होने वाली दोस्तों, आइए जान लेते हैं। फिल्म 3 दिन के अंदर 10 करोड़ की बुकिंग कर चुकी होगी। फिल्म तीन दिन के अंदर इंडिया नेट कमा लेगी 35 करोड़ तक दोस्तों, इसके साथ ही फिल्म का इंडिया ग्रॉस हो जाएगा 42 करोड़ तक दोस्तों। इसके साथ ही फिल्म ओवरसीज मार्केट से कमा लेगी 22 करोड़ तक, बहुत ही बिग अमाउंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि YRF एसराज फिल्म 22 के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ओवरसीज में, एंड उनके पीछे हाथ किसका आप जानते ना, पठान फिल्म का, टाइगर फ्रेंचाइज का, तो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है YRF। फिर बात करते फिल्म की 3 दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई हो जाएगी 69 करोड़ के आसपास दोस्तों, यह आंकड़ा 70 करोड़ का भी छू सकता अगर आप टिकट बुक करेंगे तो। दोस्तों, ये था डाटा फिल्म का Day 1 का, Day 2 का, स्पेशली Day 3 का, वीकेंड का, 13 अप्रैल का, शनिवार का। दोस्तों, ऐसा डाटा आपको पूरे YouTube पे खाई पे भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले पूरे YouTube पे मैंने आपको बताया डाटा, अब लोग मेरा कॉपी करके अपनी वीडियो बनाएंगे, मेरी थंबनेल लगा के अपनी बनाएंगे वीडियो, तो भाई बहुत ही कॉपी पेस्ट होता है यूट्यूब पे, पर आपको बच के रहना है। ऐसी ऑर्गेनिक अपडेट के लिए, ऑथेंटिक अपडेट के लिए विद प्रूफ विद स्क्रीनशॉट भाई, आपको इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब, वीडियो को एक बार लाइक एंड कमेंट आपको भाई 5, 6, 10, 20 हज़ार जितने करने कर डालो भाई। BMCM को लेकर पर फैमिली के साथ जाओ, फिल्म देखो, इंजॉय करो, धमाकेदार, पैसा वसूल फिल्म है। बाय गाइस, टेक केयर।